Hi, I'm Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics 705052-3391. Today I'm going to organize a motivational speech among yourself. आज का हमारा विषय वस्तु जो होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस वीडियो वो है मोटिवेशनल. और हम लोगों ने खास करके ये जो वीडियो बनाए हैं उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अभी जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड 12 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिन्होंने कभी सपना देखा है कि कुछ हमें बनना है जैसे टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा, उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. अब तक मेरा चैनल का अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए. अगर लाइक आता है तो लाइक दीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं. इस वीडियो को फैलाइए ज्यादा ज्यादा तक. अब हम आते हैं कम टू पॉइंट में. देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोग बढ़िया डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे होंगे कि हम जब बड़ा हो जाएं हम लोग डॉक्टर बन जाएं. मैट्रिकुलेशन या प्लस टू के बाद आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग की कीजिएगा, मेडिकल एंट्रेंस की कीजिएगा, कोई टीचर बनना होगा उसके लिए बीएड करेंगे. तो पर्पस तो एक है कि हमको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है. लेकिन टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर तो बहुत बनते हैं. उसमें भी वो स्टेट फर्स्ट स्टेट है कि बिकमिंग ऑफ डॉक्टर. सेकंड स्टेट टू बी नोन एज ए गुड डॉक्टर अमंग डॉक्टर्स. तो बढ़िया डॉक्टर कौन बन सकता है? हम लोगों ने बच्चों से एक बार हम क्लास ले रहे थे तो बच्चों से मैंने पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है, व्हाट इज एंबिशन इन योर लाइफ, प्लीज टेल मी क्लियरली. उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनना है. हमने बोला कि भैया डॉक्टर बनना तो जरूरी है लेकिन आप में क्या क्वालिटी है कि जो अच्छा डॉक्टर आप कहलाइएगा? उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो बच्चे माने क्या कह सकते हैं कि हम जो बच्चे सॉरी वो बच्चे ने बोला कि हम जो पेशेंट आएगा उसको जस्ट अपना मेंबर ऑफ फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे और उसको पैसा नहीं लेंगे. और मैंने इतना तरह का चीज बोला जिससे उसका इमोशनल अटैचमेंट होगा पेशेंट से जब वो डॉक्टर बनेंगे, जब वो पेशेंट का इलाज करेंगे. हम तो बोले तू जिंदगी में नहीं बनेगी अच्छी डॉक्टर. तो उन्होंने पूछा कि क्या रीजन है. देखो, एक डॉक्टर अगर अपना पेशेंट से इमोशनल अटैचमेंट रिलेशन कर लेगा तो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा. उसके हाथ डोलेगी जब ऑपरेशन करना होगा, उसके हाथ थरथराएगी, वो बढ़िया से ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगा. एक डॉक्टर जो इतना आसानी से दूसरे पेशेंट को ऑपरेशन कर देता है, वही डॉक्टर से उसी का बेटा या कोई मेंबर ऑफ फैमिली को ऑपरेशन करने का बारी आएगा तो वो डॉक्टर कभी नहीं, वो जितना इजिली अदर को कर सकता है उतना इजिली वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा जो उसके मेंबर ऑफ फैमिली होंगे. तब उसको समझ में आया. देखिए कोई भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, टीचर, अब एक टीचर स्टूडेंट से दोस्ती कर लेगा, पढ़ाएगा क्या? जैसे घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? बात को समझिए. दिस पॉइंट टू बी नोटेड. कहने का मतलब आई मीन टू से दैट कि अगर टीचर और स्टूडेंट में दोस्ती हो गई तो पढ़ाई खत्म. क्योंकि जब पढ़ाई कम ज्यादा बातें होंगी इधर उधर की. इसीलिए कोई भी प्रोफेशन आप चुने प्रोफेशन तो इनफॉर्मल रिलेशन जो होता है हमारे यहाँ वो घर तक ही सीमित रहे, अपने दोस्तों तक रहे. लेकिन जब आप किसी भी एजुकेशनल सेंटर जा रहे हैं या कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए इंजीनियर कहीं साइट पर जा रहे हैं, तो आपको एक चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट दे सकता है. वो चीज है आपको बी प्रोफेशनल टू विद योर बिजनेस. वॉट एवर यू डू इट डजंट मैटर, बट मैटर इज ए ऑलवेज बीइंग प्रोफेशनल टू अदर पर्सन, योर क्लाइंट, कस्टमर, पेशेंट, स्टूडेंट. दिस इज द मेन की टू गेट मोर एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ. तो ये चीज हमेशा याद रखना. कोई भी प्रोफेशन आप बनाओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप होगी अपने कस्टमर से, अपने स्टूडेंट से, अपने पेशेंट से, वो हमेशा फॉर्मल होगा. इनफॉर्मल की कोई जगह नहीं है. देयर इज नो स्पेस फॉर इनफॉर्मल रिलेशनशिप इन एनी प्रोफेशन. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच. और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. यू आर गोइंग टू अपीयर एंड यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन. थैंक्स.
वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो टिल इन। वो है कहाँ देखा है, तो होगा तो कनेक्ट किया, तुम कनेक्ट पूछ गया।